उन्हीं को हम जहां में, उन्हीं को हम जहां में रहबरे काबिल समझते हैं जो हस्ती को सफर और कब्र को मंजिल समझते हैं। एक अंतिम बात आपसे कहता हूं कि डर घुसते 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 आप खुद अपने भीतर देखें कि किस कदर आपको परेशान करता है। अब आप बोलने में डरते हैं, नया ट्राई करने में डरते हैं, जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है उस सिस्टम को देखें। आप यह मत सोचें कि आप धर्म से डर रहे, भविष्य से डर रहे, तो क्या फर्क पड़ रहा। फर्क यह पड़ रहा कि डर मन के ऑटोमेशन में घुसते 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 अब खड़े होके बोलने में डरते, नया ट्राई करने में डरते, सच बोलने में डरते, नया धंधा शुरू नहीं कर पाते, नई बात नहीं कर पाते, हर जगह डरते। अब आप सोचो कि इतना डरा हुआ आदमी कैसे सफल होगा और क्या पालेगा जीवन में। आपको एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा प्यारा किस्सा। कल्प वृक्ष नाम तो सबने सुना होगा। कल्प वृक्ष एक ऐसे वृक्ष की कल्पना है कि उसके नीचे कोई बैठा हो तो जो वो मांगे, जो उसकी इच्छा हो, वो वृक्ष उस चीज को पूरा कर देता, हाथों हाथ हाजिर कर देता। अब एक सामान्य मनुष्य एक बार जंगल में भटक गया। अब दो रोज तीन रोज हो गए, घना जंगल, बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, पांव दुख गए, पांव में कांटे चुभ गए, चलने की ताकत नहीं, और करीब करीब अधमरा सा हो गया, बड़ा परेशान। इस बुरी कदर घबरा गया कि अब जिंदा बचूंगा ही नहीं। लेकिन अनजाने में वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया एकदम निढाल होके, और वो वृक्ष कल्प वृक्ष था। अब उस बिचारे को तो मालूम नहीं कि ये कल्प वृक्ष है। थोड़ी देर लेटने के बाद थोड़ी जान आई, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाता तो बच जाता मैं, ऐसा मन में बड़बड़ाया। और वहां तो पांच छह अप्सराएं हाजिर हो गई थाल लेके, वो तो भूखा था तो फटाफट फटाफट खा गया। जैसे ही खा गया तो बोले अब इतना बढ़िया खाने पे पानी मिल जाए तो मजा आ जाए। तीन अप्सराएं पानी का जग लेके आ गई सोने का, और गिलास हाथ में दिया, उसने पानी भी पी लिया। अब पानी पी लिया तो पूरी तरह होश में आ गया। होश में आते ही बोले, अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है, ये कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। बोले हाँ ये भूत प्रेत ही है, बस इसने सोचा भूत प्रेत है और वहीं के वहीं मर गया बेचारा। अब आप समझना, मैं कहना ये चाह रहा हूं इस किस्से से कि डरे हुए आदमी को कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो भी मर ही जाएगा वो, समझे आप। प्रकृति का कल्प वृक्ष मिला हुआ है, ऐसा ही कल्प वृक्ष है प्रकृति का हर मनुष्य के लिए। लेकिन हम डरे हुए हैं तो हमको वहां से कोई भी फल नहीं आ रहा। इसलिए अंत में एक बात आपसे कहता हूं कि बड़े अच्छे ध्यान रखना, मूर्ख जीवन में लाखों बार मरते हैं, जांबाज एक बार मरता और ज्ञानी कभी नहीं मरता। और ये आपके हाथ में है कि आपको मूर्ख बनना है, जांबाज बनना है कि ज्ञानी बनना है। आपको जीवन में प्रगति करना है कि ऐसे ही रो रो के मर जाना है। एक अंतिम कविता सुना के मैं आज का टॉपिक खत्म करूंगा कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मरते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मरते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मरते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मरते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। आप जो पल पल मरते हैं ना, आप जो पल पल मरते हैं वही आपकी मौत है। और ये जो मरे मरे जीते हैं इसलिए आप सुख और सफलता नहीं पा रहे हैं। भय सबसे बड़ा शत्रु है। मैं समय हूँ, पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट
हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।